हेलो भाई, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो भाई, आजकल बारिश का मौसम हो रहा है और इधर उधर देखो कितना पानी भर रहा है। तो भाई, मैं ये चीज़ बताऊंगा, ऐसी कंडीशन में हमें गाड़ी कहाँ से निकालनी चाहिए, कहाँ से नहीं, और बीच में से भी निकाल के दिखाऊंगा। तो भाई, बेहतर यही है कि आप अपनी गाड़ी को साइड से ले लो, क्योंकि भाई बीच में पानी ज़्यादा होता है, कील वगैरह या कुछ भी पड़ा हो तो गाड़ी को नुकसान ही होगा, टायर वगैरह पंचर हो जाए। साइड में भाई इतनी वो नहीं होती, और जो अपनी व्हीकल्स हैं वो निकलते रहते हैं, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आती। अब मैंने दिखाया, आराम से आ गई साइड से, और नहीं बीच में होती तो बीच में दिक्कत आती, पानी भी आता है टायरों पे, और जो हमारा साइलेंसर है उस पर भी पानी लगता। तो भाई आपको पता है, पानी लगने के बाद अपना रस्टिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, उस चीज से भी बच सकते हो आप। तो भाई यही है, अगर भाई ऐसा हो कि कहीं मिट्टी वगैरह ज्यादा हो तो फिर बेकार है, फिर तो साइड में फंस जाएगी गाड़ी आपकी। फिर तो बेस्ट रहेगा आप गाड़ी को बीच में से ही लें, जहाँ पे मिट्टी वगैरह हो और जहाँ पे ऐसी सड़क वगैरह हो। तो भाई वैसे तो बीच में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर यही है कि जब पानी साइलेंसर को छिपता है तो अपनी रस्टिंग वगैरह और यही स्टार्ट हो जाती है लगनी, और गाड़ी की भाई वैलिडिटी कम होती है। जहाँ जहाँ पानी लगता है वहीं से ही रेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। देखो भाई, जैसे ये पानी है, बीच में से कोई नहीं आ रहा, सब साइड में से, क्योंकि भाई बीच में कितना बड़ा खड्डा हो किसी को नहीं पता, सब साइड से जा रहे हैं, हम भी साइड से ही जा रहे हैं। तो भाई बहुत सारी जगह होती है जहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वहाँ से तो बीच में से ले जानी ही पड़ती है। तो भाई वहाँ का तो कोई मैटर ही नहीं है। अब यहाँ आप देख सकते हो कितना लंबा चौड़ा खड्डा है, और यहाँ पे ये देख लो आप, ये गाड़ी जा रही है जो, ये भी पानी से थोड़ी बच रही है, और इसके टायर कितने बड़े बड़े हैं। और यहाँ से छोटी गाड़ी आएंगी, आप उन्हें देखना, और इसके बाद छोटी गाड़ी भी आएगी, ये देख लो भाई, अपनी होंडा की एक्सेंट आ रही है, और इसमें पानी बिल्कुल भाई नीचे तक छिप चुका है, और साइलेंसर को भी छिप गया, क्योंकि भाई छिपते ही धुआं भी उठा था इसमें। तो भाई वही है कि अब जो हमारा साइलेंसर है उसकी जो वैलिडिटी है वही कम होगी। और ये तो भाई ये बीच में से ला रहा है, और साइड में से लाता तो इतना पानी इसको टच नहीं करता, तो बहुत कम रहता है। तो भाई ये बहुत सारे भाई हैं गलती कर देते, तो भाई ठीक है, अपनी अपनी सोच है। फिर भी अगर साइड से निकाल ले तो देखो भाई, वो बिल्कुल सेफ आ रही है सिर्फ, पर वो गलती कर रहा है, वो ऊपर से ला रहा है, पर ऊपर से भाई रास्ता नहीं है, यहाँ से टच हो जाएगी, तो इसे तो ये बैग ले जानी पड़ेगी, बैग ले जाके दोबारा पानी में से लानी पड़ेगी। पर देखना भाई, ये शायद जब इतनी सेफ्टी रख रहा है तो साइड से ही लाएगा, और साइड से लाने के बाद देखते हैं कितना पानी टच होता है कितना नहीं। तो भाई अपनी स्कॉर्पियो को भी निकालेंगे इसमें का। अब देख लो भाई, एक साइड तो बिल्कुल बची पड़ी है इसकी, अब देखना यहाँ से भी बिल्कुल साइड से लाया है। तो भाई देख लो, भाई ने कितना गाड़ी से प्यार करता है, पूरा दिमाग लगाया है इसमें इधर उधर से लाने के लिए। तो भाई ये छोटी गाड़ी का एक ये और रहता है कि अगर बीच पानी में से ले जा रहे हो आप, गाड़ी बंद हो जाए भाई, बाई चांस हो सकता है ऐसा, गाड़ी भी बंद हो जाती है कई बार, तो भाई वो दिक्कत ही, अगर आप साइड से ही लोगे तो आपको गाड़ी भी बंद हो जाए तो उतरने में तो दिक्कत नहीं होगी कम से कम। वहाँ तो बीच पानी में से आओ, अपने जूते चप्पल उतारो, गाड़ी में रखो कुछ भी ऐसा। तो भाई यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीच पानी में भाई गड्ढा भी हो सकता है बड़ा। ये देखो ईओन जा रही है आराम से, साइड से जा रही है भाई, इसने ज़्यादा पल्ली साइड नहीं ली, नहीं तो ये भी i20 देख सकते हो आप, i20 को भी टच हो रहा है पानी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सड़क होती है जो हमारे रोड होते हैं, ये चलते रहते हैं, इन पे गड्ढे वड्ढे की तो बहुत कम चांस होते हैं, पर ऐसा ही है भाई, बीच सड़क में कहीं सीवर दे रखा हो तो उसके ढक्कन वगैरह ऊपर हो तो उसमें जब दिक्कत बन जाती है आपके टायर वगैरह अड़ते हैं, तो और कुछ नहीं था। आप अपनी स्कॉर्पियो को लाते हैं, आप इसको देखना, ये मैंने थोड़ी पल्ली साइडिंग रखी थी, ज़्यादा साइडिंग नहीं रखी, देखना था कि पानी टच हो गया नहीं। भाई इसका तो ग्राउंड क्लीयरेंस भी बढ़िया है, तो इसको पानी टच नहीं हुआ था।
और इसके बाद वैगनार जाएगी, वो बिल्कुल साइड से लेके जाता है तो उसको भी पानी टच नहीं होता। तो भाई जो ये जो अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं तो अपने सेफली चलें और साइड से ही लें, क्योंकि पानी वगैरह आपकी गाड़ी में रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ पानी लगता है। पानी लगते ही भाई साइलेंसर तो गर्म रहता है, उसमें से धुआं उठता है, तो वहीं से ये काम स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है भाई, यही था इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।